हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए आज हम चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फॉलो द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे इक्वेशंस जो दिए गए हैं इन्हें हमें क्या करना है, सोल्व करना, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना एंड वेरीफाई द आंसर, और आंसर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं 2 upon x + 3 upon y = 13, दूसरा वाला दिया गया 5 upon x - 4 upon y = -2। क्या ये दोनों इक्वेशन लीनियर हैं? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0। तो क्या उस फॉर्म में है? नहीं, वो उस फॉर्म में नहीं है, ये लीनियर नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकते, देखिए 2 upon x + 3 upon y = 13। फिर यहाँ पे ये है 5 upon x, तो यहाँ -4 upon y = -2। अब देखिए ये क्या लीनियर फॉर्म में है? ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं गिवन पेयर ऑफ, ऐसे लिख देंगे आप, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज नॉट लीनियर। यानी जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया ये लीनियर नहीं है। ये देखिए लीनियर है ही नहीं, जनरल फॉर्म में है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसको पहले लीनियर बनाएंगे, इसे सॉल्व करने के लिए पहले लीनियर बनाएंगे। तो लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 upon x यूज हुआ है, 1 upon y यूज हुआ है, 1 upon x और 1 upon y यूज हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हम सपोज कर लेंगे, कोई वेरिएबल सपोज कर लेंगे, जैसे 1 upon x है, हम यहाँ सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ पे लेट 1 upon x = हम ले रहे हैं p एंड 1 upon y इसको हम ले रहे हैं q। ठीक है, इसको सपोज कर लिया गया। यहाँ पे देखिए p को, यहाँ पे देखिए 1 upon x को हमने p ले लिया और 1 upon y को क्या, q ले लिया। तो जहां जहां 1 upon x आएगा वहां p पुट कर देंगे, जहां जहां 1 upon y है वहां q पुट कर देंगे दोनों इक्वेशन में। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 upon x, यानी हो जाएगा 1 upon x की जगह पुट करना, 1 upon x की जगह क्या पुट करना है, p, और 1 upon y की जगह q पुट करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p + 3q = 13। उसके बाद दूसरा वाला दिया गया है, यहाँ दूसरा वाला हो जाएगा 5p - 4q = -2। यहाँ देखिए 5p - 4q = -2, यानी जहां जहां 1 upon x था वहां हमने p पुट कर दिया, जहां जहां 1 upon y था हमने q पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन जो है, ये फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली, ये अब किसमें है, लीनियर फॉर्म में है, यानी ये इक्वेशन लीनियर है। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज लीनियर इक्वेशन, यहां पर हमने लिख दिया। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड आई, ये क्या है, विच इज लीनियर इक्वेशन, यहां पे लिख देंगे विच इज लीनियर इक्वेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां हम लिख दे रहे हैं पूरा लिख दे रहे। चलिए विच इज, यहां हम लिख दे रहे हैं विच इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिख दिया हमने विच इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ इन दोनों को जब ये लीनियर इक्वेशन के पेयर में आ गए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। कौन से मेथड से, यहाँ पे कोई मेथड, यहाँ पे कंडीशन नहीं दी कि आप इस मेथड से सॉल्व करिए, तो कोई भी मेथड, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे एलिमिनेशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए फर्स्ट और सेकेंड ले रहे हैं। फर्स्ट वाला क्या दिया गया, फर्स्ट है 2p + 3q = 13। सेकेंड वाला क्या, सेकेंड वाला है 5p - 4q = -2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम ले रहे हैं एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स हैं p है और q है, तो इन दोनों में से किसी एक का, किसी एक वेरिएबल का कोफिशियंट हम लोग इक्वल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे q वाला है, देखिए q फर्स्ट इक्वेशन में q का वेरिएबल कितना है, q का कोफिशियंट कितना है फर्स्ट इक्वेशन में q का कोफिशियंट है 3। सेकेंड इक्वेशन में q का कोफिशियंट है 4। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें q का कोफिशियंट इक्वल करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में q का कोफिशियंट 3 है ना, तो 3 से हम सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे, और सेकेंड इक्वेशन में q का कोफिशियंट कितना है 4, तो 4 से हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे (×4). ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपको बताया गया कि कैसे कोफिशियंट इक्वल करते हैं, आप जानते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 से पूरे इक्वेशन में करना है, 3 से सेकंड इक्वेशन में 3 से करना है, तो 3 से पूरे इक्वेशन में करना है। चलिए करते हैं, यहाँ कराएंगे 4 से 2 की, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8p, यहाँ हो गया कितना 8p। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस
यहाँ पे 4 3 12 क्यूब, 4 3 12 क्यूब इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 13 4 52। उसके बाद फिर यहाँ 3 से कराएंगे, 3 5 15 t, फिर यहाँ माइनस 4 3 12 क्यूब, फिर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना -6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ जगह नहीं, इसलिए यहाँ ले रहे, देखिए इक्वेशन हमारी आई कितनी, यहाँ ले 8t + 12 क्यूब इज इक्वल टू 13। दूसरा इक्वेशन क्या है 15t - 12 क्यूब इक्वल टू -6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए ऐड करने पे ही सॉल्व हो जाएगा, यहाँ देखिए +12q - 12q, यानी +12q - 12q कैंसिल हो जाएगा, 8t + 15t आ जाएगा 23t इक्वल टू यहाँ 13, यहाँ पे देखिए कितना आया हमारा 52 आया, यहाँ कितना आया 52, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कराया 13 4 52। अब यहाँ 52 - 6 करेंगे आएगा कितना 46, तो t की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 46/23, 23 2 46, t की वैल्यू आ गई 2, t की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि 23 2 46, तो p की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें q की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू को चाहे तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने चाहे तो सेकंड में कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो चलिए पुट कर देते हैं, पुट p इज इक्वल टू कितना आया 2, हाँ पुट p इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यानी कि 2p है तो 2 × p, p की वैल्यू कितनी आई 2, तो हमने p की जगह 2 रख दिया। आगे कितना है +3q = 13, यहाँ देखिए +3q = 13 एडिटिव लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4 + 3q = 13, तो हो जाएगा 3q = 13 - 4, यानी हो जाएगा 3q = 9, यानी हो जाएगा q = 9/3, 3 3 9, यानी q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ तो आपने p और q की वैल्यू निकाल दी, p की वैल्यू 2 निकाली, p की वैल्यू 2 निकाली और q की वैल्यू 3 निकाली, लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। तो अब हमें करना क्या है, जहां जहां हम देखिए जहां पे हमने सपोज किया था ये 1/x को हमने p लिया था, 1/y को हमने q लिया था, तो यहीं पे हम p की वैल्यू पुट कर देंगे और यहीं पे हम q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x और y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पहले चलिए देखिए इसको मिटा देने, इसको आप समझ लेंगे, यहां पे हम लिख दे रहे हैं इसको मिटा दें जो हमने सपोज किया था, हाँ ये हमने सपोज किया है ना, 1/x को क्या लिया है p और 1/y को q लिया है, लिख लिया पहले ऐसे करके, सिंस इसके बाद p और q की वैल्यू निकाले इसके बाद लिखना है आपको, सिंस जो आपने सपोज किया था, यहाँ पे आते हैं सिंस 1/x = p एंड 1/y = q, चलिए इसको हम मिटा दें, अब आपको पता देखिए p की वैल्यू 2 आई है, q की वैल्यू 3 आई है, p की वैल्यू 2 आई है, q की वैल्यू 3 आई है, यहाँ पे 1/x = p की वैल्यू कितनी आई है 2 एंड यहाँ पे 1/y जोड़ q की वैल्यू कितनी आई 3, सॉल्व कर लेते हैं इसको, अपॉन 1 कर लीजिए, यहाँ पे अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का x में कराएंगे तो आ जाएगा 2x, 1 का 1 में कराएंगे 1, यानी x = आ गया कितना 1/2, फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं ऐसे, यहाँ पे भी करा लेंगे, ठीक है यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे आप, फिर यहाँ पे देखिए 3 का y में कराएंगे हो जाएगा 3y, 1 से 1 में कराएंगे 1, यानी y = आ गया कितना 1/3, यहाँ देखिए आपकी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड, x की वैल्यू आई 1/2, y की वैल्यू आई 1/3, तो ये आंसर हो गया आपका x = 1/2 एंड y = 1/3। क्वेश्चन कह रहा था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व करिए पेयर ऑफ इक्वेशंस को, तो आपने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे फिर बोल रहा है एंड वेरीफाई द आंसर, तो आपको जो आंसर आया है x की वैल्यू और y की वैल्यू इसको वेरीफाई भी करना है कि ये सही आएगी नहीं, तो चलिए इसको भी आगे कर ले रहे हैं, वेरिफिकेशन भी कराना, वेरिफिकेशन करा दे, ठीक है यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्या लिख देंगे वेरिफिकेशन, चलिए वेरिफिकेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे देखिए हमको जो वैल्यू दी गई है, हमारी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 1/2 आई है, वाई की वैल्यू 1/3 आई, तो जो हमारे इक्वेशन है यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं कितना था 2/x + 3/y, 2/x + 3/y = 13, दूसरी वाली क्या आई थी 5/x - 4/y = -2, देखिए 5/x - 4/y = -2, यहाँ पे हमें करना क्या है, जो वैल्यू हमने निकाली x की वैल्यू निकाली 1/2 और y की वैल्यू निकाली 1/3, इसी को क्या करना है इस इक्वेशन में पुट कर देना, जहां जहां x है वहां पे 1/2, जहां जहां y है वहां पे 1/3, चलिए ये 2/x है, 2/x, x की वैल्यू कितनी 1/2, फिर आगे +3/y है तो हमने रख दिया 3/y, y की जगह कितना 1/3 = कितना 13, ठीक है ऐसे रख दिया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं,
फिर यहाँ दूसरे वाली क्वेश्चन में देखिए फाइव पॉइंट एक्स यानी एक्स की जगह 1/2 माइनस 4/y वाई की जगह 1/3 यहाँ रख दिया 1/3 इज इक्वल टू कितना है -2 तो -2 लिखा हुआ है ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे सॉल्व करके। यहाँ देखिए यहाँ पे है 2/1/2 यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 में जो 2 है वो क्या है रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी यहाँ हो जाएगा 2 × 2/1। ऐसे यहाँ पे भी 3/1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 3 × 3/1 इज इक्वल टू यहाँ 13 है। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा रेसिप्रोकल तो 5 × 2/1, यहाँ पे भी -4 × 3/1 इज इक्वल टू कितना है -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4/1 + 3 × 9/1 इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे देखिए 5 × 10 = 10/1 -4 × 12 = 12/1 इज इक्वल टू -2। और आगे सॉल्व करिए तो 4 + 9 इज इक्वल टू 13 हो गया, यहाँ पे 10 - 12 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4 + 9 यानी 13 इज इक्वल टू 13 और यहाँ 10 - 12 यानी हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। तो देखा कि आपने LHS और RHS क्या है इक्वल आ रहे हैं, LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS इक्वल हो गया, यानी कि आपका आंसर सही है। आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, यहाँ लिख देंगे आप वेरीफाइड, वेरीफाइड यानी कि जो आंसर आपने निकालना है x और y की जो वैल्यू निकाली है वो क्या है इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन है ठीक, ऐसे वेरिफिकेशन भी करा लेंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इक्वेशंस दिए होंगे सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ये लीनियर है कि नहीं, लीनियर फॉर्म में है कि नहीं। तो अगर इस फॉर्म में रहेंगे अपॉन में रहेंगे, जैसे यहाँ देखिए 1/x 1/y, या कभी कभी आता है जैसे यहाँ पे 1/x 1/y, कभी कभी 1/x + a, या ऐसे करके आ जाता है 1/y + b, ऐसे करके इस फॉर्म में रहेगा। यानी कि जब इक्वेशन जो दी होगी अगर वो लीनियर नहीं है तो सबसे पहले उसको हम सपोज करके, जैसे यहाँ सपोज किया उसको सपोज करके लीनियर बनाएंगे, लीनियर बनाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे ठीक है। कर लीजिए।